तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट क्या सभी फोनों में दिया जा सकता है, मतलब जिस फोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं करता उसमें भी क्या डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जा सकता है। तो देखिएगा, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उसका फोन का डिस्प्ले, मतलब वो डिस्प्ले अगर सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड नहीं होगा तो फिर उसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया जा सकता। मतलब आपका डिस्प्ले अगर IPS या फिर LCD कोई भी होगा तो फिर आपके फ़ोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट नहीं करेगा। एमोलेड में ही सिर्फ डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अभी तक सपोर्ट करता है। हाँ, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का बहुत फेक ऐप्स है बाजार में, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि वो ऐप यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके और आपके फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो गाइस देखिए, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सभी फ़ोनों में सपोर्ट नहीं करेगा, जिसमें एमोलेड डिस्प्ले है उसमें सपोर्ट करेगा। और देखिए गाइस, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ना एक हार्डवेयर है, मतलब जैसे कि हमारा साइड अमाउंट फिंगरप्रिंट हो गया, पीछे का फिंगरप्रिंट हो गया, जैसे ये एक हार्डवेयर है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी वैसे ही एक हार्डवेयर है। मतलब डिस्प्ले के अंदर एक हिडन कैमरा लगा रहता है, वो आपका 2D इमेज लेता है आपके फिंगर का, फिर वो फोन को अनलॉक कर देता है। तो ये तो आप बाहर से कोई थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड करके नहीं कर सकते ना, इसलिए आप प्ले स्टोर में ऐप्स ढूंढना छोड़िए और जो फिंगरप्रिंट है या फिर फेस लॉक या जो भी सिक्योरिटी दिया गया है आपके फ़ोन में वही इस्तेमाल कीजिए। बाहर का कोई थर्ड पार्टी ऐप मत यूज़ करना अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि वो आपके और आपके फ़ोन के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आपका पर्सनल डिटेल्स लीक कर सकता है वो, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो बस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर पसंद आए वीडियो तो फिर एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।